स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। टीआरएनए अगर हम देखें तो वो होता है ट्रांसफर आरएनए। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म में देखें तो बहुत सारे आरएनए मौजूद होते हैं, जैसे कि टीआरएनए है, एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है। बहुत सारे आरएनए जो है हर ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं। इनमें से आज जिसका हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का बेसिक अगर थोड़ा सा फंक्शन जान ले तो क्या होता है कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस चलती है एक सेल में, प्रोटीन के सिंथेसिस होना यानी कि अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ कर प्रोटीन बनाया जाता है। तो यहां पर ये जो अमाइनो एसिड को जोड़ा जाता है तो इन अमाइनो एसिड को लेकर आने का किसका काम होता है, टीआरएनए का ही होता है। तो टीआरएनए बेसिकली यहां पर क्या लाता है, इन अमाइनो एसिड्स को लाता है ताकि ये इस तरीके से जुड़ जुड़ के किसकी सिंथेसिस कर सके, प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। सो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। हमें ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में आज नहीं देखना है, टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। सो हम टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं गाइस। अगर हम टीआरएनए के स्ट्रक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करें तो सबसे पहली बात तो है टीआरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो 75 से लेकर 95 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। अगर हम देखें टीआरएनए एक आरएनए है, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जिनमें न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन सी चीज आती है, एक तो आता है डीएनए और दूसरा आता है आरएनए। ये डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। अब मैं आरएनए की बात कर रही हूं तो मैं बोलती हूँ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो दिस स्पेसिफिकली टीआरएनए इज मेड अप ऑफ 75 to 95 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम यहां पर एक आरएनए को देखें तो एक आरएनए जो होता है वो इस तरीके से 5' से 3' स्ट्रक्चर उसका होता है। यहां पर जो इसका 3' एंड है, इस टीआरएनए का जो 3' एंड है उसपे स्पेसिफिकली कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसमें प्रेजेंट होता है CCA न्यूक्लियोटाइड्स। तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर क्या प्रेजेंट है, CCA न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। 5' से 3' के तरफ CCA न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें तो ये जो 3' एंड है यही वो एंड है जो कि बेसिकली अमाइनो एसिड को लेकर आता है। मैंने आपको कहा था ना टीआरएनए का काम होता है अमाइनो एसिड को लेकर आना, तो ये 3' एंड वही है जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। जो ये टीआरएनए है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स तो होते ही होते हैं। बेसिकली आरएनए के पास कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। लेकिन इसके अलावा इसके पास कुछ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं। ये मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स कब बनते हैं, जब ये जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है इन पे कुछ एंजाइम्स एक्ट करते हैं जिसकी वजह से मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो टीआरएनए के पास अनयूजुअल बेसिस यानी कि मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये कब ऐड किए जाते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली ऐड किए जाते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली ऐड करने का मतलब है कि समझिए यहां पर टीआरएनए एक बार बन चुका है, टीआरएनए बन चुका है यानी कि डीएनए को पढ़कर हमने टीआरएनए की सिंथेसिस कर ली है। जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो मेरे पास आरएनए बन चुका है ट्रांसक्रिप्शन से, अब इस आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में मॉडिफिकेशन कर रही हूं, तो दिस इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। आरएनए बन चुका है उसके बाद में मॉडिफिकेशन कर रही हूं। अगर हम यहां पर टीआरएनए देखें तो टीआरएनए का जो शेप होता है, जो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो रिजेंबल करता है क्लोवर लीफ जैसे। आप यहां पर देख सकते हैं क्लोवर लीफ है ये, और ये टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री करने का मतलब है आप देख सकते हैं यहां पर इसने खुद से पेयरिंग कर रखी है, यानी कि यहां पर समझ लीजिए जी न्यूक्लियोटाइड ने सी न्यूक्लियोटाइड के साथ पेयरिंग कर रखी है। तो यहां पर ये क्या हो रखी है, पेयरिंग हो रखी है। अच्छे से आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक हमने समझ लिया, अब एक एक करके हम इसके आर्म को स्टेम को समझने की कोशिश करते हैं।
तो ये वाली जो स्टेम है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। क्यों एक्सेप्टर आर्म कहते हैं, कि अभी हमने पढ़ा था कि ये इसके पास आके कौन अटैच हो जाता है, अमाइनो एसिड इसके पास आके अटैच हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सेप्टर स्टेम बोला जाता है, बिकॉज अमाइनो एसिड यहाँ पे आ रहा है। इसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है 5' से 3', जिसको CCA सीक्वेंस यहाँ पे मौजूद होता है। ये यहाँ पर जो CCA सीक्वेंस, इसकी कोई पेयरिंग नहीं हो रखी, इसलिए सिंगल स्ट्रैंडेड है, बाकी जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो यहां पर पेयर्ड है। मैंने आपको कहा था ना कि पेयर करके रखता है, तो यहां पर ये नीचे के जो सीक्वेंसेस है वो पेयर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्म। अगर हम नेक्स्ट की तरफ देखें, एक्सेप्टर स्टेम के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम चलें, तो नेक्स्ट आता है टी लूप। ये जो स्ट्रक्चर है ये उल्टा बस करके दिखा रखा है, इस तरफ यहां पर इन्होंने 3' जो एंड है वो इस तरफ दिखा रखा था, और इसको बस इन्होंने उल्टा कर दिया है, तो यहां पर इधर आपको 3' एंड जो है वो इस तरफ दिख रहा है, बाकी कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर में है नहीं। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, इस तरफ यहां पर डी लूप प्रेजेंट होती है, या फिर इसका स्पेसिफिकली नाम होता है डी साइसी लूप या फिर आर्म। ये जो आर्म है ये स्पेशल क्यों है, सबसे पहली बात ये टी लूप क्यों कहलाती है, क्योंकि अगर आप कोई भी आरएनए देखोगे ना, तो आरएनए के पास थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है, थाइमिन न्यूक्लियोटाइड किसी आरएनए के पास नहीं होता है, तो इसके पास स्पेसिफिकली थाइमिन प्रेजेंट है, इसलिए इसको यहां पर टी लूप कहा जाता है। उसी के साथ साथ यहां पर जो यूरेसिल होता है, जो यहां पर यूरिडिन होता है, वो भी मॉडिफाइड होता है। कैसा होता है, सूडो यूरिडिन होता है, जहां से ये सिंबल आता है सूडो यूरिडिन, यहां पर क्यों होता है, ये यूरिडिन जो है मॉडिफाइड है। इस यूरिडिन को मॉडिफाई कैसे किया जाता है, आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि समझिए यहां पर क्या था, एक शुगर प्रेजेंट था, राइबोस शुगर होती है, एक न्यूक्लियोटाइड तीन हिस्सों से मिलकर बना होता है, शुगर फॉस्फेट प्लस एक नाइट्रोजनस बेस। तो यहां पर ये शुगर है, यहां पर ये नाइट्रोजनस बेस है, जिसको हम यूरेसिल कहते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, नॉर्मली ये जो शुगर है वो कहां पे अटैच रहती है, वो इस यूरेसिल के फर्स्ट पोजीशन के साथ अटैच रहती है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गई, और अब आप देख सकते हैं राइबोस कहां जा चुका है, फिफ्थ पोजीशन पे जा चुका है, यानी कि यूरेसिल के फिफ्थ पोजीशन पे राइबोस अटैच है, तो इसलिए हम यहां पर क्या बोलते हैं, इसको सूडो यूरिडिन कहते हैं। तो आप देख भी सकते हैं, आइसोमराइजेशन इन विच द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ यूरेसिल बेस टू द राइबोस इज स्विच्ड फ्रॉम द नाइट्रोजन रिंग पोजीशन 1 टू द कार्बन रिंग पोजीशन 5। तो यहां पर क्या हो चुका है, शिफ्टिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से यहां पर ये सारी कहानी आती है, तो इसको हम सूडो यूरिडिन कहते हैं, इसलिए यहां पर इसका नाम टी लूप है, थाइमिन है, और ये हम क्यों बोलते हैं, ये बोला जाता है कि इसके पास थाइमिडीन होता है, सूडो यूरिडिन होता है, और साइटिडिन लगातार प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका ये नाम भी रखा जाता है। अगर हम इसका बेसिकली फंक्शन देखें, तो इसका बेसिकली फंक्शन होता है कि ये यहां पर रिकॉग्नाइज करता है राइबोसोम को। राइबोसोम यहां पर ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करने का काम इस स्ट्रक्चर का बेसिकली होता है। तो इस तरीके से यहां पर टी लूप या ये आर्म प्रेजेंट हो। अब यहां पर कौन आता है, डी लूप आता है। डी लूप का नाम भी डी लूप क्यों पड़ा है, क्योंकि यहां पर भी मॉडिफिकेशन हो रखी है यूरिडिन की। यहां पर मॉडिफाइड होके यूरिडिन कैसे प्रेजेंट है, डाई हाइड्रो यूरिडिन प्रेजेंट है। आप यहां पर देख सकते हैं नॉर्मल यूरिडिन है और ये मॉडिफाइड यूरिडिन है। तो यहां पर क्या हो जाता है, एंजाइमेटिक रिडक्शन हो जाती है। फिफ्थ और सिक्स पोजिशन पे आप देख सकते हो डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, अब यहां पर ये डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये डायहाइड्रो यूरिडिन प्रेजेंट है। और ये जो डायहाइड्रो यूरिडिन होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, डीएचयू लूप पे प्रेजेंट होता है। आप यहां पर देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 5' एंड डीएचयू लूप होता है, एंड टुवर्ड्स दी 3' एंड ये वाला टी लूप प्रेजेंट होता है। तो यहां पर ये डीएचयू लूप प्रेजेंट है, इसका नाम ये क्यों है, क्योंकि डायहाइड्रो यूरिडिन है, यहां पर मॉडिफाइड यूरिडिन प्रेजेंट है। इसका बेसिकली काम होता है अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस को पहचानना। अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस क्या होता है, समझिए यहां पर टीआरएनए है और इस टीआरएनए पे हमें पता है अमाइनो एसिड आके बाइंड होता है। तो ये जो अमाइनो एसिड टीआरएनए पे आके बाइंड होता है, ये बाइंडिंग करवाने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम कहते हैं। तो इस तरीके से यहां पर डी लूप होता है।
नेक्स्ट अगर हम लूप की तरफ चले, नेक्स्ट जो होता है स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन लूप। अब ये जो एंटीकोडोन लूप क्या होता है, नॉर्मली जब भी ट्रांसलेशन चलती है ना तो यहाँ पर इस तरीके से mRNA होता है, इस mRNA को पढ़कर tRNA जो है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेकर आता है। तो mRNA जो है उसके ऊपर कोडोन प्रेजेंट होते हैं जिसको tRNA रिकॉग्नाइज करता है। tRNA के पास उसके लिए एंटीकोडोन प्रेजेंट होते हैं जिसके बाद यहाँ पर एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आता है। तो एंटीकोडोन लूप जो है वो बेसिकली कौन सी लूप होती है, एंटीकोडोन लूप इज द लूप विच विल रिकॉग्नाइज द mRNA। किससे इंटरैक्ट करती है, mRNA से इंटरैक्ट करती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से mRNA का 5' एंड और ये 3', और इस तरीके से tRNA का एंटीकोडोन लूप है जो कि इंटरैक्ट कर रही है mRNA के साथ। यहां पर ये जो एंटीकोडोन होते हैं कितने न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, 3-3-3 न्यूक्लियोटाइड के पेयर होते हैं। तो यहां पर इस तरीके से 3-3-3 न्यूक्लियोटाइड के पेयर होते हैं। यहां पर अगर हम देखें इसके एक तरफ, ये तो हो गया एंटीकोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड का, एक तरफ यहां पर यूरेसिल होता है 5' एंड पे, और 3' एंड पे उस पर कोई भी प्यूरिन यहां पे मौजूद हो सकता है। तो इस तरीके से एंटीकोडोन लूप प्रेजेंट होती है। आप 3' और 5' एंड ध्यान से देखिएगा, बस कुछ नहीं है ऐसे उल्टे करके कुछ कुछ इमेजेस में दिखा रखें। तो इस तरीके से ही एंटीकोडोन होता है। अगर हम यहां पर अगली तरफ चले तो अगली तरफ एक वेरिएबल लूप भी प्रेजेंट होता है। इस तरफ देख सकते हैं वेरिएबल लूप है। वेरिएबल नाम से पता चलता है कि इसकी जो साइज है वो वेरी होती रहती है, 3 से लेकर 21 बेसिस तक वेरी होती रहती है। तो इस तरीके से tRNA का स्ट्रक्चर होता है, जो 3' एंड है उसके ऊपर अमाइनो एसिड आके बाइंड करता है। कुछ हिस्सा जो होता है उसमें यहाँ पर क्या रहती है, उसमें यहाँ पर इस तरीके की पेयरिंग रहती है। ये जो होता है लगभग 7 बेस पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं टी लूप में भी यहाँ पर 7 न्यूक्लियोटाइड्स हैं लूप में, और इसकी ये जो यहाँ पर स्टेम है इसके पास बेस पेयर्स प्रेजेंट है। ऐसे ही आप डी लूप में भी देख सकते हो, डी लूप में 8 से लेकर 12 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये जो यहाँ पर इसकी ये वाला स्ट्रक्चर है इसके पास 3-4 बेस पेयर्स है। बेस पेयर्स यानी कि पेयरिंग कर रखी है। ऐसे ही आप एंटीकोडोन लूप में भी देख सकते हो, एंटीकोडोन लूप में ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 5 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और बाकी यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, बाकी यहाँ पर ये लूप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से गाइस tRNA का स्ट्रक्चर होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, टेक केयर।